एग्जैक्टली तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। डॉक्टर विश्वरूप ने अपनी नॉलेज से हम सबको बहुत सारे तोहफे दिए हैं, जैसे कि डीआईपी डाइट, हॉस्पिटल इन अ बॉक्स, और उनमें से एक है हुंजा टी। हुंजा टी चाहे हुंजा सिविलाइजेशन बहुत पहले से पी रही हो, लेकिन आपके और हमारे लिए अस्तित्व में ही तब आई जब डॉक्टर विश्वरूप ने उसे हाईलाइट किया, वरना हम सब लोगों को शायद पता ही नहीं चल पाता। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हुंजा टी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है तुलसी के पत्ते, दूसरा इलायची, तीसरा पुदीना, चौथा है दालचीनी, फिफ्थ इंग्रेडिएंट है अदरक, और आखिरी चीज है गुड़, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 6 चीजें हैं। तो अब जानते हैं कि हुंजा टी को बनाना कैसे है। मान लेते हैं आपको 4 कप टी बनानी है, तो हम आपको एग्जैक्टली क्या चीज कितनी कितनी लेनी है वो बता देते हैं। और दोस्तों आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो आप हमारी हुंजा टी पीते हुए देखने वाले हैं। एक पैन में आपको डालना है 4 कप पानी, 8 तुलसी के पत्ते, 4 इलायची, 12 पुदीना के पत्ते, 2 ग्राम दालचीनी, पाउडर हो तो और भी बेटर है, 20 ग्राम अदरक, कुटी हुई अदरक आप ले लीजिए, 20 ग्राम गुड़, जो कि डॉक्टर विश्वरूप ने अपनी वीडियो में बताया लेकिन अपनी वेबसाइट पर नहीं लिखा है, तो अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या कम गुड़ ले सकते हैं। और लास्ट चीज पॉजिटिविटी और खुशियां स्वाद अनुसार। अब इन सबको आप बॉइल कर लें और करीब 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें, और बस रेडी हो गई हुंजा टी। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, जो कि बेहद बेहद जरूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, और वो है अपनी बची हुई टाटा टी किसी को दे दें। ऐसा क्यों करना है ये जान लेते हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों को इधर उधर से यही सुनने में आया है कि सुबह की चाय सेहतमंद होती है। दोस्तों आप डॉक्टर विश्वरूप पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? ऑब्वियसली करते हो, क्योंकि उनका एक एक शब्द साइंस बेस्ड होता है। डॉक्टर विश्वरूप ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपको मेरी सारी बातों में से एक बात माननी है तो वो है स्टॉप कंज्यूमिंग टी, स्पेशली मॉर्निंग टी, यानी कि चाय, खासकर सुबह की चाय आपको नहीं पीनी है। और ये सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप ही नहीं, बहुत सारी स्टडीज भी यही कहती है, क्योंकि रात भर आपका स्टमक खाली होता है और मॉर्निंग टी आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स को एसिडिक कर देती है। और ये मेरा अगला सेंटेंस जो बोलने वाली हूँ, ये तो जग जाहिर फैक्ट है कि अगर आपका रेगुलर बेसिस पे पेट एसिडिक रहता है तो वो सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का, जैसे कि आर्थराइटिस, डायबिटीज एक्सेट्रा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन बातों का आप ध्यान रखेंगे।